चटकटाओ माल साल चट रेडी भयो यसलाई चाख्नु है त हल्का महाकसम राजाले पनि यस्तो मिठो चाहिँ खाएको छैन अझसम्म जिन्दगीमा यसो लगा मेरो मजाक बुढीले घरमा सब्जी पकायो भन्दाखेरि त मिठो हुँदैन तर यो हातले माछा र मासु यस्तो मिठो बन्छ चटकटाओ माल उसिँदैछ है म चाहिँ एकदम स्पेसल आजको घोगी मैले हिजो बजारबाट किनेर ल्याएको थिएँ हिजो होइन अस्तिको दिन किनेर ल्याएको थिएँ यसलाई चट्टसँगले भिजाएर राखेर आज उसिन्दैछु चट्टकट्टा उसिनिसक्यो है अब यसको च्याट्टा कन्डो काट्नुपर्छ कुनै कुनै मजाले नभएको जिब्री चाहिँ निकाल्नुपर्छ आफै कोट्याएर कटाओ आलु चाहिँ मैले अघि बिहानै उसिनेर रेडी गरिसकेको थिएँ है घोङ्गीको कन्डो पनि काटिसक्यो च्याट अब पकाएर हान्ने हो ल्याम ल्याम चट कटाओ माल साल च्याट रेडी भयो यसलाई चाख्नु है त हल्का महाकसम राजाले पनि यस्तो मिठो चाहिँ खाएको छैन अझसम्म जिन्दगीमा बुढीले घरमा सब्जी पकायो भन्दाखेरि त मिठो हुँदैन तर यो हातले माछा र मासु यस्तो मिठो बन्छ सर्ट हाम्रो घोबी चाहिँ सर्भ हुँदैछ है भाभीजी चक्के देखिए सुप कैसा है बढ़िया है टक्क भाभीजी इसको ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे टनना है अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया ठीक है ब्रदर पहले मुंह पे लीजिए और वो गला से अंदर वो बंद कीजिए और ओनली मुंह से च्वाक कीजिए वो पूरा अंदर घुस जाएगा आराम से चैट अब भोटे को सुरू भैम लैम एकदम मस्त मछली का टेस्ट आ रहा है माल कडक छ है माल कडक छ चाइना को पसंद आई हाँ। हम इतना मेहनत करके पकाए लेकिन भाभी जी का पसंद नहीं आया छुटकू आप नहीं खाओगी सब लोग हाई कर दो सालिया साइमा हाई करो साइमा आज क्या खा रहे हो आज अलग सा डिश खा रहे
स्नेल खा रहे हो। हल्का पिरो भयो कडा हो। अब स्याटसँगले पानी खानु पर्छ। पूरा ग्रेवी है। हाँ ब्रदर अभी जी, अब नेपाल का दूसरा डिश कौन सा खाना चाहते हो? क्या बोलते हो, केकड़े को? केकड़ा खाना चाहते हो? तो ठीक है, हम केकड़े भी मार के लेके आते हैं, फिर बना के खिलाते हैं। ठीक है, छूट को ऊँ बोल रहा है लेकिन वो नहीं खाती है। बाहर को टोली सोध कस्त घोगी कस्त आंटी घोगी स्पेशल फेरी फेरी भी खानु पर्छ। अब हम नेक्स्ट मिशन भनेको केकडाको छ, गंगटा खानु पर्छ। पकड़े ल्याइहाल्छु नि गाउँबाट। मिठो भयो? अनि के भयो हेर्नु त मैले युट्युबमा के